तो भाई लोग, शाहरुख खान को फिल्म फेयर अवार्ड क्यों नहीं मिला दोस्तों? फिर किसे मिला, इस वीडियो में बात करेंगे। शाहरुख खान के फैंस नाराज़ क्यों हैं? 2024 में तीन तीन फिल्म ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी शाहरुख खान को फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड क्यों नहीं मिला दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, नया चैनल सपोर्ट करें भाई साहब। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने से वीडियो को रीच मिलती है दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आप सबको तो पता है कि 2024 का फिल्म फेयर अवार्ड दोस्तों आ चुका है भाई साहब। शाहरुख खान को फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं सोशल मीडिया के द्वारा दोस्तों। 2024 में शाहरुख खान को कई सारे नॉमिनेट मिले फिल्म के द्वारा दोस्तों, लेकिन भाई अवार्ड नहीं मिला बेस्ट एक्टर का दोस्तों। इसे चलते हुए भाई, एक कॉफ़ी विद करण में शाहरुख खान ने कुछ कहा था, वो सोशल मीडिया पर फैंस बता रहे हैं कि भाई शाहरुख खान की वीडियो शेयर कर रहे हैं वो दोस्तों। वो कौन सी शेयर वीडियो कर रहे हैं, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहे। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो 2024 में फिल्म फेयर अवार्ड से शाहरुख खान के फैंस नाराज हैं दोस्तों। पठान जवान डंकी को कई सारे नॉमिनेशन किया गया है भाई साहब। यहाँ पर देखा जाए तो तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन भाई साहब यहाँ पर फैंस बहुत ज़्यादा गुस्सा है और नाराज़ है दोस्तों। भाई शाहरुख खान ने एक साल में इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर दी, लेकिन भाई साहब यहाँ पर एक भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला शाहरुख खान को, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों फैंस के द्वारा, कुछ दोस्तों सोशल मीडिया के द्वारा इस तरह की बातें बताई जा रही हैं भाई साहब। यहाँ पर देखा जाए तो एसआर के फिल्म फेयर अवार्ड को डिजर्व नहीं करते, इस तरह का डायलॉग दोस्तों यहां पर हो रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं भाई, किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है दोस्तों। रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है 2023 में दोस्तों। मतलब 2024 में इसको अवार्ड को लाया गया, लेकिन 2023 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है दोस्तों। एनिमल मूवी के लिए इस फिल्म को अवार्ड मिल चुका है, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला भाई, वो मिला बारहवीं फेल को दोस्तों यहाँ पर अवार्ड मिल चुका है। बाकी एसआरके की फिल्म का नाम तो बहुत आया, लेकिन भाई अवार्ड तक नहीं मिला शाहरुख खान को, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। सोशल मीडिया पे शाहरुख खान के फैंस एक पुरानी वीडियो शेयर कर रहे हैं उस वक्त की, जब करण जौहर कॉफ़ी विद करण के साथ दोस्तों एपिसोड लाया करते थे। वो बड़े बड़े हस्तियों को बुलाया करते थे, उनके बारे में पूछा करते थे। तो करण जौहर ने कहा कि भाई अगर आपको किसी दिन अवार्ड नहीं मिला तो क्या करोगे? तो शाहरुख खान ने जवाब दिया कि अवार्ड मुझे डिजर्व नहीं करता, मेरे लिए काम बेहतरीन है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि भाई मुझे अवार्ड मिले ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई मैं काम करता रहता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ, उस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। तो भाई शाहरुख खान की 2023 के अंदर तीन मूवी आई थी, पठान, जवान, डंकी, और दोस्तों तीनों फिल्मों में भाई गजब की एक्टिंग करी थी। भाई जवान में तो दोस्तों ऐसी एक्टिंग करी भाई, 2023 में ऐसी एक्टिंग देखने को नहीं मिली। फिर भी भाई शाहरुख खान को यहाँ पर अवार्ड नहीं मिला फिल्म फेयर अवार्ड का। बाकी देखते हैं भाई, 2024 में तो फिलहाल कोई भी फिल्म नहीं है, बाकी 2025 में तीन फिल्मों का नाम आ रहा है शाहरुख खान की। बाकी देखते हैं भाई, जैसे जैसे वक्त करीब आएगा वैसे वैसे दोस्तों तीनों फिल्में कंफर्म हो जाएगी। बाकी आप फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में, शाहरुख खान के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, नया चैनल सपोर्ट करें भाई साहब।